हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई। यदि हम लोग निफ्टी की बात करें, निफ्टी लगभग 6% फॉल किया। वहीं पर बैंक निफ्टी की यदि बात करें, लगभग 8% का फॉल यहां पर दिखाया। तो एक डाउट मन में यहां पर काफ़ी सारे इन्वेस्टर के माइंड में आ रहा है, क्या सर ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है? यदि अपॉर्चुनिटी है तो कौन से वो स्टॉक हैं जिनमें हम लोगों को यहां पे पोजीशन बनाने का मौका मिल रहा है? तो देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब मार्केट में गिरावट आती है तो चाहे वह अच्छा स्टॉक हो या खराब स्टॉक हो, सभी की पिटाई होती है। यहां पर हम लोगों का काम होता है कि जो अच्छे स्टॉक हैं, जो मार्केट के प्रेशर की वजह से नीचे आए हुए हैं, उनमें अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना, देन वहां पर पोजीशन बनाना। यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यह टेम्पररी गिरावट है, डेफिनेटली यहां से बाउंस बैक भी देखने को मिलेंगे। जो अच्छे स्टॉक होंगे वो अगेन ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन 5 स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो इस गिरावट में मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो मैं अपनी पर्सनल इन्वेस्टिंग के लिए स्टडी करता हूं, वही आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। यदि हम लोग निफ्टी की बात करें, यहां पर आप लोग देख सकते हो इस प्रकार का वेज पैटर्न यहां पर बनाया था, सिंपली ऊपर ब्रेक किया। डेफिनेटली इस टाइप का जब भी पैटर्न बने, नीचे की तरफ ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। सबसे फर्स्ट डे यहां पर जब एग्जिट पोल वगैरह आए इलेक्शन के, वहां पर ट्रैप किया गया लोगों को, देन नेक्स्ट डे यहां पर सिंपल सा टेक्निकल को फॉलो किया गया। सेम यदि हम लोग बैंक निफ्टी में भी देख लेने लगे, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में भी आप लोग देखोगे सेम चीज आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। अब हम लोग थोड़ा सा स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि चीजें आप लोगों की क्लियर हो और कौन से वो स्टॉक हैं जहां पर हम लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो सबसे पहले स्टॉक की यदि हम लोग बात करें, जिसको ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूं, डॉक्टर लालपाथ लैब। डेफिनेटली डॉक्टर लालपाथ लैब की बात करें, आज नीचे आया, देन सेम डे में आप लोग देखोगे टोटल रिकवरी हो गई, टोटल माल जो है यहां पर भर लिया गया। यदि आप लोग 5 मिनट कैंडल में यहां पर देखोगे, सिंपल नीचे आता है, देन यहां से सिंपली जो है काफी जल्दी जो है रिकवर करते हुए दिखाई दिया। अब यहां पर चीजों को समझिएगा, आखिर में इस स्टॉक के बारे में लगातार वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, क्या रीजन है वीडियो बनाने के, क्या चीजें मुझे ऐसी यहां पर नजर आने लगी जिसके लिए मैंने लगभग ये 3rd वीडियो है जहां पर मैं इस स्टॉक के बारे में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। अब कुछ चीजों को समझने का ट्राई करिएगा, यहां पर देखो स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजी समझिएगा, जिससे कि चीजें आप लोगों की क्लियर हो। यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यदि सिंपली आप लोग देखोगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक प्राइस यहां से नीचे आता है, देन आप लोग यहां पे क्या चीज नजर आ रही है, यहां पे सिंपली हम लोगों को यदि आप लोग देखने लगे तो यहां पे आप लोग नजर दोगे तो यहां पे सिंपली एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है। बार बार स्टॉक बेसिकली कर क्या रहा है, यहां पर जैसे ही आता है रेजिस्टेंस को छूता है, अगेन नीचे जाता है, रेजिस्टेंस को छूता है, अगेन नीचे आता है। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, ये हमारी 4th अटेम्प्ट है। और ज्यादातर चांसेस क्यों है यहां से ऊपर जाने के, एक थोड़ा सा फोकस करिएगा। देखिए होता क्या है, यहां पर मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को क्लियर किया कि यहां पर हम लोगों को एक सिंपली ब्रेकआउट मिलता है। ब्रेकआउट मिलने के बाद में यहां पर काफी सारे लोग माल भरते हैं, देन यहां पर सिंपल सा आप लोगों का क्या आंसर होगा कि ये जो फॉल आया यहां पर, आप लोग इसके ऊपर नजर डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉल है। यदि आप लोग इस चीज को नजर दे पा रहे होंगे, यहां पर जो लगातार ये फॉल आया, लगभग 7 डेज में 15% का करेक्शन आया और स्टॉक प्राइस ने 2000 के नीचे का लो लगाया, देन वहां से आप लोग देख पाओगे 1, 2, 3 और 4 डेज में सारा रिकवर कर लिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 4 डेज में रिकवर कर लिया गया, सिंपल सा आप लोगों को यहां पर चीजें समझ में आना चाहिए। यहां पर जो भी लोगों के स्टॉप लॉस पड़े थे, जो भी वीक इन्वेस्टर थे, उनको यहां से निकाल दिया गया है और स्टॉक प्राइस एक अच्छी रैली में ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। एंड यहां पर यदि आप लोग देखोगे सेकंड रीजन की यदि मैं बात करूं, यहां पर एक बहुत अच्छा पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। यदि आप लोग यहां पे फोकस करोगे, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर आप लोगों को नजर आएगा। यदि आप लोग यहां पर देखोगे, ये हमारा हेड हो, ये हमारा शोल्डर हो गया, हेड हो गया, ये हमारा शोल्डर हो गया। एंड यहां पर यदि आप लोग देखने लगो, या फिर आप इसको कप विथ हैंडल कंसीडर्ड करो तो कप विथ हैंडल भी कंसीडर्ड कर सकते हो। इन दोनों बिहाफ पर भी यदि हम लोग टेक्निकल टारगेट यहां पर देखने लगे तो यहां से जो हमारा टेक्निकल टारगेट निकल के आता है वो समवेयर अराउंड आप लोग देखोगे जो टेक्निकल टारगेट है वो लगभग आप लोगों का 3000
2650 रुपीस के आसपास है, यानी कि यहां से परसेंटेज वाइज भी आप लोग देखते हो लगभग 35% का गेन इजीली ये स्टॉक देते हुए मुझे नजर आता है। उसके अलावा यदि हम लोग और एक और रीजन की यहां पर बात करने लगे, मैंने आप लोगों को यहां पर गोल्डन क्रॉसओवर के बारे में एक वीडियो पब्लिश करी है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो को देखा होगा। यहां पर मैंने क्या बताया, जब भी डेथ क्रॉसओवर होता है यानी कि छोटा वाला ईएमए हमारा ईएमए को नीचे की तरफ काटता है, देन अगेन यहां पर गोल्डन क्रॉसओवर होता है, तो वहां पर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली दिखाए। तो यहां पर दोनों ही चीजें यहां पर लागू हो रही हैं। यहां पर आप लोग देखोगे यहां पर डेथ क्रॉसओवर हुआ, देन यहां पर गोल्डन क्रॉसओवर हम लोगों को नजर आ रहा है इस पॉइंट पर, और आज तक यदि आप लोग देखने लगो इतनी गिरावट में, यहां पर आप लोग देखोगे इस डेट में हमारा गोल्डन क्रॉसओवर हुआ, अभी तक इसके नीचे क्लोजिंग प्राइस हम लोगों को नहीं मिल पाई है। इवन आज के डे जबकि इतना फॉल मार्केट में आया, यहां पर स्टॉक प्राइस डेफिनेटली नीचे आया, लेकिन सेम डे उसने रिकवरी करी, देन यहां से ब्रेकआउट मिलने के हाईली चांसेस नजर आ रहे हैं, और ये टेक्निकल टारगेट मुझे नहीं लगता कि 6 मंथ से ज्यादा समय लगाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर मैं डॉक्टर लालपाथ लैब के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूं। अब गाइस यदि हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है बजाज हिंदुस्तान शुगर। शुगर इंडस्ट्री एक बेहतरीन स्टॉक है, आज की डेट में ये लगभग 10% के आसपास डाउन आया, देन यहां पर क्यों अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, बिकॉज ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूं पूरी की पूरी शुगर इंडस्ट्री के बारे में कि आखिर शुगर इंडस्ट्री क्यों ग्रो करने वाली है। सिंपल सा गाइस उसका रीजन है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहां पर इससे पहले हम लोग शुगर कैन का यूज केवल और केवल शुगर बनाने के लिए कर रहे थे, लेकिन अभी एथनॉल ब्लेंडिंग का काम स्टार्ट हो चुका है और उसका पूरा पूरा फायदा शुगर इंडस्ट्री को हो रहा है। जो भी शुगर इंडस्ट्री जो है जो डाउन पड़ी थी, धीरे धीरे उसके स्टॉक प्राइस लगभग कई गुना रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं और आगे यहां से काफी अच्छा पोटेंशियल गेन नजर आता है। यहां पर आप लोग देखोगे बहुत अच्छा कव विथ हैंडल पैटर्न यहां पर बना हुआ था। यदि इसके टेक्निकल टारगेट को हम लोग देखने लगे तो इसका जो टेक्निकल टारगेट हम लोगों का निकल के आता है, यदि हम लोग यहां पर इस कव विथ हैंडल पैटर्न के आधार पर भी इसके टेक्निकल टारगेट को हम लोग देखें तो यहां से इसका जो टेक्निकल टारगेट है वो समवेयर अराउंड 46 रुपीज के आसपास है, लेकिन एक और कव विथ हैंडल यहां पर पैटर्न बन चुका है, यदि उसके टेक्निकल टारगेट को आप लोग देखोगे तो लगभग 68 रुपीज के आसपास निकल के आता है, यानी कि 92% का गेन ये लॉन्ग टर्म में देते हुए दिखाई दे सकता है हमारे टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने डिटेल वीडियो बजाज हिंदुस्तान शुगर के ऊपर जरूर देखा होगा, एंड यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वहां से आप लोगों को बेहतर क्लियरिटी मिलेगी कि आखिर मैं यहां पर इस स्टॉक को क्यों डिस्कस कर रहा हूं। अब गाइस यदि हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, नेक्स्ट स्टॉक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल पर नजर आ रहा है। यदि हम लोग आज की डेट की बात करें बहुत ही कम यो है, आज जो है डाउन आया, यदि हम लोग देखें फाइन ऑर्गेनिक को 0.63% डाउन आया, लेकिन ये एक अच्छे लेवल पर काफी टाइम से सस्टेन कर रहा है और मुझे यहां से क्लियरली यहां से कहीं ना कहीं ये ऊपर जाने के चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि जब भी कोई स्टॉक एक अच्छा मूव देता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक और वहां पर यदि वो दोबारा से आता है तो ऑपरेटर अगेन उसको कहीं ना कहीं ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकता है। साथ ही साथ यदि इसके फंडामेंटल देखोगे बहुत अच्छे इंप्रूव ऑलरेडी हो चुके हैं, नेट प्रॉफिट डबल हो चुका है, लेकिन स्टॉक प्राइस सेम लेवल पर यहां पर कंसोलिडेशन फेस में चला गया है और काफी कंसोलिडेट ऑलरेडी कर चुका है और वही लेवल पर आज भी हम लोगों को मिल रहा है। ऑलरेडी मुझे लग रहा है मैंने लगभग 2 मंथ पहले इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो करी थी, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। तो ये भी एक अच्छा पिक हो सकता है ऐसी गिरावट में। अब गाइस अगला स्टॉक की जो हम लोग बात करें वो एक बैंकिंग स्टॉक है, सिटी यूनियन बैंक। काफी अच्छे लेवल पर नजर आ रहा है। यदि हम लोग सिटी यूनियन बैंक की बात करें, सिटी यूनियन बैंक को यदि हम लोग देखने लगे, ये रेंज में काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है और वो रेंज जो है यदि हम लोग रेंज को देखने लगे लगभग 50% से ज्यादा की रेंज नजर आती है। वो रेंज हमारी 120 रुपीज से 200 रुपीज के बीच की रेंज है और अभी जो स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है 135 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर लुक एट दिस, इसके चार्ट को यदि आप लोग देखोगे, मैं यहां पर वीकली टाइम फ्रेम लगा देता हूं जिससे कि बेहतर क्लियरिटी आप लोगों को मिलेगी। इसके चार्ट को आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां से सिंपली जब भी ये 120 रुपीज के आसपास आता है वहां से 200 रुपीज के आसपास जाता है, देन वहां से आप लोग देखोगे ये रेंज जो है 120 के आसपास जैसे ही आता है अगेन 200 के आसपास जाता है, यहां पर देखोगे अगेन ये आया
लेकिन ये रैली जो है डेफिनेटली इसमें हो चुकी थी और 160 रुपीस के आसपास ये ऑलरेडी पहुंच चुका था। हम लोगों ने ऑलरेडी पोजीशन इसके आसपास बनाई थी जब मैंने आप लोगों के साथ में इसमें वीडियो में डिस्कशन किया था, सिटी यूनियन बैंक के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। लेकिन आज अगेन हम लोगों को मौका मिल रहा है सेम प्राइस पर खरीदने का, 135 रुपीस पर खरीदने का, बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन। यहाँ पर मार्केट में प्रेशर की वजह से आज की डेट में जो है लगभग इसमें 5% का डाउन जो है आया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लगभग 8% आज जो है डाउन है, ये 7.91% के आसपास डाउन हम लोगों को नजर आ रहा है, तो यहां पर ये भी एक अच्छी पिक हमारे लिए हो सकती है यदि आप लोग इस गिरावट में जो है कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। तो नेक्स्ट स्टॉक यदि हम लोग देखें तो यहां पर आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा आप लोगों से क्या बोलता हूं कि जब भी आप लोग किसी स्टॉक को परचेस कर रहे हो वहां पर उसका टेक्निकल टारगेट डेफिनेटली होना चाहिए। टेक्निकल टारगेट होने से जब भी आप लोगों का एक पर्टिकुलर टारगेट होता है, जब भी वहां पर हिट होता है, तो वहां पर आप अपने प्रॉफिट को बेसिकली बुक करते हो। हमने ऑलरेडी अडानी पोर्ट में पोजीशंस को काफी टाइम पहले बनाया था, जहां पर मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि ये कब विद एंडल पैटर्न के साथ में ऊपर जा रहा है। जैसे कि हम लोग देखें यदि डेली टाइम फ्रेम हम लोग लगाते हैं तो यहां पर हम लोगों ने पोजीशंस को बनाया था समवेयर अराउंड लगभग सितंबर के मंथ में, देन हमने जो एग्जिट किया था वो 1200 के आसपास किया था। देन उसके बाद में काफी सारे कमेंट मेरे पास आए, सर ये लगातार ऊपर जा रहा है, आपने एग्जिट क्यों कर लिया। तो यहां पे जब भी आप लोग सिस्टम से नहीं चलोगे तो दिक्कत आने वाली है। देन वहां पर वो लगभग 1500 का हाई लगाया, लेकिन एक ही दिन में वो सेम लेवल पर आ गया जहां पर हम लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया था। तो मैं ऑलवेज आप लोगों को रिकमेंड करता हूं, जब भी आप लोगों का कोई सेटअप नहीं बन रहा है किसी स्टॉक में, वहां पर हम लोगों को एंट्री नहीं बनाना है। साथ ही साथ ओनली सेटअप से काम नहीं चलेगा, वहां पर फंडामेंटल सेटअप यानी कि मल्टीपल डॉट जब कनेक्टेड हो जाते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिकली आप लोगों को कंफर्मेशन मिल जाती है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहिए। और मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बना रहे हो वहां पर 5% से ज्यादा पैसा ना लगाइए, क्योंकि अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके आप लोगों को चलना है। ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के भरोसे हम बैठे हैं कि वो चलेगा जब भी हमारा पोर्टफोलियो चलेगा, यदि वो डाउन में चला गया तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो हमारा रेड हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा कन्विक्शन आ रही है तो वहां पर आप लोग 7-8% होल्डिंग इंक्रीज कर सकते हो, वो अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 30-40% पैसा एक पर्टिकुलर स्टॉक में लगा दिया, वो डेफिनेटली गलत हो जाता है, क्योंकि हर बार डिसीजन हमारा सही नहीं होगा। ये स्टॉक मार्केट है, डेफिनेटली हमारे कुछ डिसीजन गलत होंगे, मल्टीपल डिसीजन हमारे सही होंगे। सो आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो जो हमारे स्टॉक हैं ऐसी गिरावट में, डॉक्टर लालपात लैब, बजाज हिंदुस्तान सुगर, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री एंड सिटी यूनियन बैंक, ये काफी अच्छी पिक हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। मैं पर्सनली इन्वेस्टिंग यहां पे कहीं ना कहीं जो है पोजीशंस बना रहा हूं। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। यदि आपके पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने चार्ट पैटर्न डिस्कस किए या जो स्टॉक डिस्कस किए वहां पर कोरिलेट करता है, या आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग वहां पे चीजों को समझ पाते हो, कोरिलेट कर पाते हो, जब भी अपना कोई भी डिसीजन लीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो को बनाया गया है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।